The capacitance C for an isolated conducting sphere of radius A is given by 4 pi epsilon naught small s. This sphere is enclosed within an earthed concentric sphere. The ratio of the radii of the spheres d n divided by n minus 1, then the capacitance of such a sphere will be increased by a factor. तो बच्चों क्या किया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर को लिया गया, उसके बाहर एक और कंडक्टिंग स्फीयर लगा दिया गया जिसको अर्थ कर दिया गया है। पूछ रहा है कि अब जो सिस्टम की कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले सिस्टम से कितनी इंक्रीज हुई है, कितने टाइम्स बढ़ी है। तो आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है। छोटे स्फीयर की रेडियस स्मॉल ए, बड़े स्फीयर की रेडियस स्मॉल बी। जैसे कि क्वेश्चन में रेशियो गिवन था b बाई ए इज n माइनस 1, n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, सो a बाई बी इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। जैसे कि हम इस सिस्टम की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पर b से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो हो गया 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b। अब a बाई b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, एंड दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एन माइनस 1 इंटू एन, एंड दैट इज एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए विच इज एन सी सो नॉट एन सी नॉट। सो आपका जो नया कैपेसिटर या नया सिस्टम है, इसकी कैपेसिटेंस एन टाइम्स ज़्यादा है प्रीवियस वाले सिस्टम से।